सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी के सामान के साथ घर के नौकरानी को गिरफ्तार किया गया। घर की मालकिन सहित परिवार कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण सभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि जब प्रियंका आनंद राजकिशोर निवासी अपने घर के बाथरूम में जाने से पहले गले का चैन लॉकेट व मोबाइल को दराज में रखकर नहाने चली गई। उसके उपरांत जब वह वापस बाथरूम से आई तो उसकी सोने की चैन लॉकेट मोबाइल गायब मिले। इस पर उसने सरकंडा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी जांच पड़ताल करते हुए थाना प्रभारी सरकंडा जेपी गुप्ता के द्वारा आरोपी की पतासाजी की गई। उसके बाद शक हुआ कि घर की झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी लखनी धुरी मोपका निवासी इस मामले में लिप्त है और उसे थाने में बुलाकर पूछताछ करने पर उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसके पास से 1.5 लाख रुपए का माल, सोने की चैन, लॉकेट, मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। सरकंडा पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ये सरकंडा थाना क्षेत्र की घटना है जिसमें प्रार्थिया जो कि राजकिशोर नगर शनि मंदिर के पास की रहने वाली है, इसने 30 अप्रैल को थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्तमान में अपनी बड़ी बहन के साथ राजकिशोर नगर में निवास रहता है और 1 अप्रैल को घर में यह अपने पहने हुए चैन और लॉकेट को उतारकर टेबल पर रखी हुई थी और वॉशरूम गई हुई थी। आधे घंटे बाद जब आकर के वापस टेबल पर देखी तो इसकी चैन और लॉकेट को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। इसकी सूचना 30 अप्रैल को प्रार्थिया के द्वारा थाने में आकर दी गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अज्ञात आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी। दौरान विवेचना प्रार्थिया से और उनके परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि इनके घर पर घटना के समय इनके यहाँ काम करने वाली नौकरानी भी उपस्थित थी और इनके द्वारा उन पर जो शंका जाहिर किया गया था। संदेह के आधार पर इनके घर में काम करने वाली जब नौकरानी से पूछताछ किया गया तो उसने पुलिस को प्रारंभ में गुमराह करने की कोशिश किया। जब बारीकी से पूछताछ किया गया तो नौकरानी ने जो है अपराध घटित करना स्वीकार किया और बताया कि उस दौरान घटना दिनांक को इसके द्वारा रखे गए सोने की चैन और लॉकेट जिसका वजन करीब करीब 3.5 तोले का है, कीमती लगभग 1.5 लाख रुपए है, वो तो चोरी कर लिया गया है। नौकरानी से पूछताछ के बाद इसके द्वारा लॉकेट और चैन को लाकर दिया गया जिसे विधिवत जब्ती किया गया और विधिवत गिरफ्तार करके रिमांड किया गया। सीपत से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।